मेरी जिंदगी में मैं शायद इतना कभी नहीं डरा जितना मैं उस दिन डरा था। उनको पता था कि ये पास नहीं हो रहा। मेरे पापा ने बोला कि बताओ अच्छा अब करना क्या है, ये पूछा ही नहीं कि पास है कि फेल है, बताओ कि अब करना क्या है। जब आप दूसरों को जिंदगी देने लग जाते हो ना, तब आपको अपनी जिंदगी की समस्या बहुत छोटी लगने लग जाती है। आई बिलीव दैट देयर इज समथिंग आफ्टर लाइफ, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट। Hi everyone, I welcome you to the first ever episode of my show, The Human Book by Shardab Sharma. पहले मैं आपको concept समझा देता हूँ, show का concept क्या है। Basically, I believe that हर individual की अपनी एक unique story होती है, अपना background होता है, अपने experiences होते हैं, और जब हम किसी से बात करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, तो हम उनकी life में की गई गलतियाँ, उनके decisions के बारे में जान पाते हैं, और हम बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो इस शो का पर्पस यही है कि हम अलग अलग लोगों की जिंदगी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अभी तक क्या किया है, क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या सही काम किए हैं, और उनकी लर्निंग्स क्या हैं, और उससे हम कुछ सीख पाए। तो टुडे वी हैव मिस्टर गौरवदीप सिंह ऑन आवर शो, एंड ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, और हम दोनों एक दूसरे को अराउंड 6-7 सालों से जानते हैं। ही ज्वाइंड आवर स्कूल इन 11th स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले वेलकम गौरव। सबसे पहले गौरव, जस्ट गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू एवरीवन। हाय एवरीवन, दिस इज गौरवदीप सिंह एंड आई एम अ सोशल एंटरप्रेन्योर, यूथ एक्टिविस्ट, सोशल एंटरप्रेन्योर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। पिछले 8-9 साल से यंगस्टर्स के साथ यूथ लीडरशिप पे काम कर रहा हूं, वर्किंग सो दैट यंगस्टर्स कैन लिव देयर लाइफ फुली सेल्फ एक्सप्रेस्ड एंड पावरफुली, एंड क्रिएटिंग यंग लीडर्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटर्स ऑफ चेंज, जो मैंने 2015 में फॉर्म की थी। तो पिछले 8-9 साल से इसी में लगे हुए हैं। And by education, I am a psychology honors graduate. That's it. गौरव बहुत ही मजेदार इंसान है और आगे की कॉन्वर्सेशन में बहुत कुछ पता लगेगा गौरव के बारे में। तो गौरव, अभी दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, ये कॉन्वर्सेशन कैसी जाने वाली है, क्या एक्सपेक्टेशन है, कुछ है दिमाग में अभी? यार मुझे ना इंट्रोडक्शन में बहुत सही बात लगी जब आपने बोला कि गलतियों के बारे में इंसान की पता चलना चाहिए, और मुझे ना बहुत बढ़िया लगता है कि जब कॉलेजेस और स्कूल्स बुलाते हैं ना टू डिलीवर मोटिवेशनल सेमिनार्स, तो यूजुअली हम अपनी अचीवमेंट्स बता के खत्म कर देते हैं, एंड रियल सेल्फ बताने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो अपने आप से सच्चे होने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो मुझे ये बहुत बढ़िया बात लगी कि ठीक है यार, आज खुल के अपनी गलतियां बताएंगे, क्या क्या जिंदगी में गलत किया और क्या जिंदगी ने उसके बाद दिखाया है। तो आई फील दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, टू बी रियल, टू बी माई सेल्फ ऑन दिस टॉक। ग्रेट। सो जैसा कि मैंने पहले बताया कि शो का नाम है द ह्यूमन बुक, हम तुम्हारी जिंदगी के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद योर चाइल्डहुड। 3-4 साल का गौरव कैसा था, उसके घर का माहौल कैसा था, वो क्या सोचता था? आई कम फ्रॉम अ वेरी हैवी रिलीजियस बैकग्राउंड। माय फैमिली हैज बीन फुल ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स। सो माय नाना जी वाज वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड रिलीजियस स्कॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड एट हिज टाइम। 1996 आई वाज बोर्न एट हिज टाइम। ही वाज इन न्यूयॉर्क टेक्सास वर्किंग। या सो मेरी फैमिली और अपब्रिंगिंग हमेशा से ऐसी रही है दैट आई हैव ऑलवेज बीन एक्टिव इन पब्लिक लाइफ बिकॉज़ ऑफ माय फैमिली। माय ग्रैंडफादर फाउंड गुरमत कॉलेज, अ सिख रिलीजियस कॉलेज, इन द सेम ईयर आई वाज बोर्न, 1996। तो तब से ही कीर्तन पे, तब से ही अलग अलग इवेंट्स पे घर में ऐसा माहौल था दैट हर वक्त घर पे स्कॉलर्स आ रहे हैं, लेक्चरर्स आ रहे हैं। तो मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे थी कि 2-2.5 साल की उम्र में मुझे पब्लिक स्पीकिंग में और ऑरेटरी में घर वालों ने डाल दिया था। सो आई डिलीवर्ड माय फर्स्ट एड्रेस एट द एज ऑफ 2.5। तो मैंने एक छोटी सी पोएम बोली थी, तो एक 3 लाइनों की मैंने पोएम, याद है पोएम? हाँ वो अरे 3 लाइनों की पोएम है कि जपले 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 नाम गुरु दा जपले, कुछ नहीं जाना नाल तेरे, जिन्ना मर्जी खपले। सो घर का माहौल शुरू से ऐसा था दैट इट वाज वेरी इनकरेजिंग व्हेन इट केम टू एक्टिविटीज अदर देन एकेडमिक्स। तो बचपन से ही वैसा भी था। तो उस जो वो एक्सपीरियंसेस थे, जो रिलीजियस जो घर पे माहौल था, उसने आगे जाके लाइफ में कैसे हेल्प किया? उसने ऐसे हेल्प किया यार, बिकॉज़ मैं जब से पैदा हुआ तब से पब्लिक लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा। तो पब्लिक लाइफ में राइट फ्रॉम द एज ऑफ 2 टू एज ऑफ 14 आई हैड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड मी।
not only the Gurmat College, but organizations related to the Gurmat College and organizations which my family were related to, associated with various NGOs, various organizations. So, मुझे बचपन से ये बहुत opportunities मिलती रही कि एक माहौल ऐसा create हो गया और upbringing में ये हो गया कि यार आप कुछ भी करो अपनी life में, पर आपको समाज सेवा करनी करनी है. तो वो एक घर का माहौल ऐसा बन गया था कि कुछ भी करते हो आप करते हो, बट आपको कुछ तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो रहना है. वो जैसे घर का एक रूल था कि सभी रहते थे तो. एंड ऑल्सो घर में राइटिंग का, पोएट्री का ये बहुत माहौल था. माई फादर डज पोएट्री, माई मदर डज पोएट्री, माई मासी डिड पोएट्री, माई ग्रैंड फादर डिड पोएट्री, माई सिस्टर डज पोएट्री एंड सो डू आई. तो वो घर का माहौल उसने बड़े होकर ये हेल्प किया दैट जितना बचपन में पब्लिक लाइफ में रह लेते हो ना, वो आपको बड़े होकर सोसाइटी में रहना कैसे है वो सिखा जाता है. नहीं तो बचपन में अगर हम अपने ही घर में रहते हैं तो बड़े होकर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, पैम्पर्ड चाइल्ड जब हम रह जाते हैं. और दूसरा मेरी अपब्रिंगिंग में ये भी बात थी कि बचपन में गरीबी बहुत ज्यादा थी. तो व्हेन आई वाज बोर्न माई पेरेंट्स डिडंट हैव अ हाउस ऑफ देम. तो बचपन से ही वी हैड टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अनदर. एंड व्हेन आई वाज बोर्न माई पेरेंट्स डिडंट इवन हैव अ हाउस टू टेक मी फ्रॉम हॉस्पिटल टू अ हाउस, सो वी रेंटेड अ प्लेस. एंड सो That's how the life went. Like very academically strong family, but financially weak family, and that happens to all the lecturers and scholars, I think mostly. तो उसके कारण घर में जो financial crisis रहे बचपन में, उन्होंने बहुत struggle सिखाया. उन्होंने सिखाया कि आपको हर मुसीबत से निकलना कैसे है. तो वो बहुत बड़ी life की learning थी. Okay, तो तूने financial crisis की बात की. तो क्या उस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कुछ ऐसी चीजें थी जो तू नहीं कर पाया जो तू करना चाहता था उस वक्त? I'll say my parents were like, मुझे ना वो तारा रंपम पिक्चर बड़ी अच्छी लगती है. बिकॉज वो दैट इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू माई लाइफ की. मेरे घर में पैसा नहीं था, पर मेरे पेरेंट्स ने मेरे और दीदी के लिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज कम रखी. लाइक इवन इफ दे कुडंट अफोर्ड अ बिग कार फॉर मी, दे मेड श्योर दैट आई गेट अ स्मॉल टॉय कार. Okay. If they couldn't afford anything, any big thing for me, so they made sure that I get a small Beyblade at least. So okay. I studied in a Punjab board school till 5th grade. Then they made sure that I go to a CBSE school, even if it was a third tier school. So my parents always worked like that. Ki, ठीक है यार, हमें वो चीजें नहीं मिली, हम बचपन में पैसे नहीं थे, तो बच्चों को दे दें. तो जितना भी था हमारे लिए तब वो बहुत था, क्योंकि हमने एक लाइफ वैसी देखी नहीं थी. लग्जरी लाइफ हमने देखी नहीं थी. जिस स्कूल में मैं पढ़ा वहां पर आई थिंक सभी बच्चे उसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते थे. आई यूज्ड टू स्टडी इन अ पंजाब बोर्ड स्कूल, तो सभी उसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते थे. एंड द ग्रेट थिंग वाज दैट एट द एज ऑफ 3, व्हेन नो वन हैड कंप्यूटर इन माय स्कूल, आई हैड अ कंप्यूटर एट माय प्लेस. माय पेरेंट्स मेड श्योर दैट इन 1999 दे बॉट अ स्मॉल कंप्यूटर, इवन इफ दे वेंट इनटू डेट, सो दैट देयर चाइल्ड कुड लर्न समथिंग. तो ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ बुरा था, बट यस महफूज था, पर स्ट्रगल बहुत था. स्ट्रगल सीखने को मिला, क्योंकि जब फाइनेंशियल क्रंच होता है ना, तो घरों में लड़ाइयां, फाइनेंस, फैमिलीज के इश्यूज, भाइयों के, चाचाओं के, ये बहुत बढ़ते हैं. और जब भी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं तो उनके कारण सीखने को बहुत कुछ मिला. तो तुम्हारी जॉइंट फैमिली थी उस वक्त? जब व्हेन आई वाज बोर्न तब थी, पहले एक दो साल, उसके बाद तक नहीं थी. बट यस उसके बाद भी फैमिली हैज बीन वेरी क्लोज. तो जब फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं तो ऑब्वियसली माय फादर वाज द एल्डेस्ट ऑफ द ब्रदर्स एंड एल्डेस्ट इन द फैमिली एज वेल, बिकॉज़ माय ग्रैंडफादर डाइड व्हेन माय फादर वाज 14. ही वाज द प्लेस वाज रॉब्ड एंड ही वाज मर्डर्ड. तो माय फादर स्ट्रगल्ड अ लॉट टू मेक श्योर दैट देयर हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड अ ग्रेट लाइफ. तो He sacrificed a lot. तो उससे मेरी फैमिली में ये था कि ठीक है चलो, पापा ने किया बहुत. तो मम्मा को हमेशा होता था दैट पापा ने सबके लिए बहुत किया, हम जब फाइनेंशियल मुसीबत में है तो हमारे लिए कोई करे. तो ये जरूर था. बट यस इन चीजों ने मुझे सिखाया ये है कि इवेंचुअली आप चार लोग ही होते हो, लाइक आपके मम्मा पापा और आप. इसके अलावा देयर इज नो वन एल्स इन देयर लाइफ, इन योर लाइफ, जो मर्जी आप बोल दो, देयर इज नो वन एल्स. और मम्मा पापा में से किसके ज्यादा क्लोज है? या दोनों के बहुत क्लोज हूं. दोनों के बहुत क्लोज हूं. लाइक इमोशनली आई एम मोर क्लोज. नहीं, एक तो वो इमोशनली आई एम मोर क्लोज टू माय मदर. ओके. बट व्हेन आई से इन टर्म्स ऑफ द बॉन्ड आई हैव द पोर पर्सन आई टॉक टू, दैट्स माय फादर. बिकॉज़ पापा के साथ मैं बहुत ज्यादा बात करता हूं, बिकॉज़ वी शेयर द सेम इंटरेस्ट, क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स.
तो वो बहुत ज्यादा बात करते हैं और अपना जो प्यार है अपने फादर की तरफ या मम्मा की तरफ वो एक्सप्रेस कर पाता है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जैसे मेरे साथ क्या है, मैं मम्मा के लिए तो अपना प्यार बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देता हूँ, लेकिन पापा के आगे आई लव हिम बट आई कांट एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ हिम. सो हाउ इज इट विद यू? हमारे घर में उल्टा है, हमारे में ये है कि हम सब कुछ एक्सप्रेस कर लेते हैं और पापा इज वेरी टिपिकल इंट्रोवर्ट, तो मैं हम तो पूरे एक्सट्रोवर्ट है, मैं मेरी सिस्टर, तो वी एक्सप्रेस अ लॉट, बट पापा हैज ऑलवेज बीन एन इंट्रोवर्ट. एंड वो भी होता है ना कि जब बड़ा भाई हो घर में, लाइक पापा हैज ऑलवेज बीन द एल्डेस्ट ब्रदर, तो वो एक रिजर्व्ड पर्सनालिटी अपने आप बन जाती है. तो यस, बट हमने प्यार खुल के एक्सप्रेस किया यार, आई हैव ऑलवेज बीन अ टिपिकल एक्सट्रोवर्ट और मैं एक्सप्रेस हमेशा अच्छे से ही करता हूं, तो दैट्स हैज बीन गुड. And how has the relationship been with your sister? Amazing, amazing. So, amazing. Because right from my birth, दीदी ज़्यादा बड़ी नहीं है, थी ढाई साल, पौने तीन साल बड़े हैं. तो उसके कारण एक फ्रेंडशिप भी होती है. बचपन में बहुत मार खाई है दीदी से, बहुत ज्यादा खाई है. सबने खाई होती है. याद भी नहीं होती. तो अब तो याद भी नहीं है कि हम लास्ट कब सीरियसली लड़े थे, बिकॉज इट्स बीन सो मेनी इयर्स. दीदी इज नॉट ओनली माय, लाइक शी इज नॉट ओनली माय सिस्टर बट आल्सो माय वर्क पार्टनर. शी इज द को-फाउंडर ऑफ इनिशिएटर्स ऑफ चेंज. शी इज आल्सो बीन माय रिलेशनशिप मैनेजर. मेरे जितने भी रिलेशनशिप्स रहे हैं सब पता है. तो वो सब लड़ाइयां, सब चीजें दीदी ने मैनेज की हैं. एंड राइट फ्रॉम माय लव लाइफ टू ऑल माय फ्रेंडशिप्स. तो माय आई हैव लॉस्ट मेनी पीपल इन माय लाइफ, माय फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स. So all throughout, the only person to cry has been Didi. The only person to go and cry and have a shoulder has been Didi. Because आप घर वालों के साथ कितनी बात कर लोगे यार? Although I do talk, but फिर भी कितनी बात कर लोगे? वो जितना relate sister कर पाती है, वो कोई और नहीं कर पाता. तो मेरा और मेरी दीदी का bond ये बहुत ज़्यादा special है. Because work partners होने के कारण हमें time बहुत मिलता है एक दूसरे के साथ. हम इवेंट्स इकट्ठे करते हैं, हमने काम बचपन से बहुत इकट्ठे किया. आई रिमेम्बर बचपन में ना यार, अभी जैसे इनिशिएटिव्स ऑफ चेंज का शुरू कैसे हुआ, इसका एक बैकग्राउंड होता है, हर चीज का एक बैकग्राउंड होता है. कि बचपन में ना जैसे नए नए वो आते थे, क्या कहते हैं उनको, रियलिटी शोज, इंडियन आइडल काइंड ऑफ थिंग्स. तो हम बहुत छोटे थे और पहला रियलिटी शो आया था स्टार प्लस पे, रिन मेरा स्टार सुपरस्टार. तो उसको देख के ना हम बड़े इंस्पायर हुए थे. तो यार ये बड़ी सही चीज है कि कोई रियलिटी शोज भी होते हैं. तो हमें लगा कि हम रियलिटी शो करेंगे घर पे. अच्छा. तो हमने ना ऐसा ही एक टैलेंट शो प्लान किया. द नेम वाज सुपर किड्स रोला पोला शो. तो हमने ऐसे नाम रखा. एंड आई वाज मे बी सिक्स और सेवन. दीदी 10 साल की रही होगी, 10-12 साल की. तो हमने एरिया के जितने भी लोग इकट्ठे किए, हमने लॉन्च कर दिया कि हम आज से एक महीने बाद ये शो करवाने जा रहे हैं. फिर पार्टिसिपेंट्स इकट्ठे किए, 2-2 रुपए ले, तो सब पार्टिसिपेंट्स को सिखाया. फिर एक महीना सिखाने के बाद शो करवाया. और वो एक बार नहीं हुआ, हमने उसके 3 editions करवाए 3 साल. और तीनों साल घर पे लाइट चली जाती थी. तो हमारे घर पे कोई बड़ा स्पीकर सिस्टम नहीं था और घर पे लाइट चली जाती थी. तो हम वो वॉकमैन सा लेकर ऐसे लगाकर और ऐसे ही नाचते थे शो पे. एंड वी डिड दैट फॉर 3 years. तो वी डू नॉट हैव इन वी हैव वीडियोस ऑफ दोस एडिशंस. फॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव, बट वी हैव. उससे थोड़े बड़े हुए तो 10-12 साल के हुए, फिर घर में कैमरा आया यार. तब तक तो कैमरा ही नहीं था घर पे, डिजिटल कैमरा नहीं था जी. अच्छा, so you talked about your transition from a Punjabi medium school to an English medium school. तो जब English medium school में enter किया तो क्या-क्या challenges face करने पड़े? मेरे लिए shifting from a Punjab board school which was Guru Nanak International BRS Nagar to shifting to a new school which was MGM school was not that tough a deal, because हम अपने पुराने Punjab board school में top students थे. तो यहाँ पर हम average बन गए. तो इतना कोई बड़ा issue रहा नहीं. बट इस स्कूल में क्या हुआ कि मैं बहुत सिंसियर बच्चा था गुरु नानक इंटरनेशनल तक. यहाँ पे आके क्या हुआ कि हम गए बिगड़. एक होता है ना वो, यहाँ पे माहौल अलग सा था. यहाँ पे सब गुड. और जब सिक्स्थ में लड़के जाते हैं तो लड़कों को होता है कि अब हम मर्द बन गए. अभी वो बस अभी हम बड़े हो गए, अब हम कुछ भी करेंगे. तो कि मैथ्स तो बढ़ता कि मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा बनते थे, तो क्लास में वो सब लड़ाइयां, ये वो सब शरारते, उसका मैं लीडर भी बन गया. मुझे था कि बस ये सब तो बेस्ट. तो 7 से डाउनफॉल शुरू हुआ. फिर फेल होना धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट में शुरू हो गया. 10th तक एक्स्ट्रा करिकुलर में मैं अच्छा था,
तो मैं बच जाता था इसके कारण। और दूसरा मैं वीक सा बच्चा था, लाइक माल नरिश सा बच्चा था, तो ऐसे ही पतला सा, तो मुझे कोई ज्यादा मारता भी नहीं था, तो मैं पंगे ज्यादा लेता था क्योंकि मुझे पता कोई मारता नहीं मुझे ज्यादा। तो फिर टेंथ तक ऐसे ही चला, टेंथ तक इट वॉज गुड, टेंथ तक टेंथ में अच्छा स्कोर कर लिया, मेहनत भी कर ली, ठीक है, अच्छा सी जी पी आ गया, फर्स्ट सी सी का बैच था हमारा। तो इलेवंथ तक तो पहुंच गए। अब इलेवंथ में 11 लड़कों का, हमारा 16 लड़कों का ग्रुप था जो बहुत गंदा ग्रुप, लाइक हम टीचर्स को निकाल देते थे स्कूल से, अगर हम टीचर पसंद नहीं आया तो लड़ाई करके टीचर स्कूल से निकाल देना, तो टीचर के साथ पंगे लेने, लड़ाइयां करनी, बहुत करते थे। तो 11th में 16 के 16 लड़कों ने नॉन मेडिकल ले ली, पता नहीं क्या सोचा। और सब उनमें से आधे फेल होने वाले बच्चे थे, सबने नॉन मेडिकल ले ली। तो फिर क्या, वहां पे भी यही लड़ाइयां चल रही, टीचर के साथ पंगे चल रहे हैं, सब मजे में लगे हुए हैं, पर पता तो था नहीं कि सिलेबस इतना होगा। तो ट्यूशन भी हर 2-3 महीने बाद बदल रहे हैं। तो पहले मई में हुए 2 सब्जेक्ट में, 1 सब्जेक्ट में फेल, सितंबर में हुआ 2 सब्जेक्ट में फेल, दिसंबर में 3 में फेल, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फेल, तो फाइनल में फिर 4, तो फिर फाइनल में 3 में फेल हो गए। और ट्रस्ट मी, 16 में से 12 लड़के फेल हो गए। और क्रिकेट खेलते थे रिजल्ट वाले दिन, क्योंकि पेपरों में भी हम क्रिकेट ही खेलते थे। तो जिस दिन रिजल्ट था फाइनल, और उस दिन मैं सुबह क्रिकेट खेलने गया हुआ था, तो मुझे फोन आने शुरू हुए। पहले फोन आया एक का कि भाई ये फेल हो गया, दूसरे का फोन आया भाई वो फेल हो गया, जब चौथे का फोन आया कि भाई वो भी फेल हो गया, तो मुझे था कि अब मैं तो क्या ही पास हो जाऊंगा, चलो फिर लेके चलते हैं घर वालों को। एंड माई फादर लिटरली टोल्ड द टीचर की, अच्छा उनको पता था कि ये पास नहीं हो रहा, मेरे पापा ने बोला कि बताओ अच्छा अब करना क्या है, ये पूछा ही नहीं कि पास है या फेल है, बताओ कि अब करना क्या है। तो टीचर सेड कि नहीं ये आगे नहीं जा पाएगा, नॉट पॉसिबल, 3 में फेल है। 2 में फेल वालों का वो रिटेस्ट ले रहे थे, तो मैं 3 में फेल था, 3 में फेल वालों का कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर मम्मा आए स्कूल में, तो बहुत रोया उस दिन, बहुत ज्यादा रोया, और मम्मा लिटरली बैग्ड इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल कि आपके स्कूल के लिए इतने अवार्ड जीते हैं, इतना क्यों, इतना कुछ किया, इतने एक्टिविटीज किए हैं। अच्छा, उस वक्त भी यू वर इनटू कोकरिकुलर एक्टिविटीज? I was always into co-curricular activities. I was in theater, I was in music, I used to do poetry, I used to be in declamations, debates, and I was in my school cricket team as well. So I was everywhere but studies. So 11th तक I was everywhere but studies. तो but यही था कि teachers event, उस दिन ये भी समझ में आया कि यार आप जितना मर्जी कुछ कर लो, जब तक आप स्कूल में academically perform नहीं कर रहे हो, आपको कोई for granted एडमिशन नहीं देगा। तो मेरे मम्मा ने लिटरली शी बेग्ड इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल कि इतना कुछ किया 2 मार्क्स तो दे दो, बिकॉज़ मैं एक सब्जेक्ट में से 2 मार्क्स में फेल था, अगर वो मुझे 2 नंबर मिल जाते तो मेरा रिटेस्ट हो जाता, तो आई वुड हैव बीन डूइंग नॉन मेडिकल नेक्स्ट ईयर। तो आई एम हैप्पी कि वो नहीं हुआ, तो प्रिंसिपल ने उस दिन निकाल दिया स्कूल से। उस दिन बुरा लगा होगा बहुत? अरे बहुत ज्यादा, वो मातम का माहौल हो जाता है ना घर पे, और रिश्तेदार भी कॉल कर रहे होते हैं कि क्या ही होगा अब तो बच्चे का, दुकान पे ही बिठा दो। माई फादर यूज टू उस टाइम पे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन था युवराज सिंह क्रिकेटर, तो अभी भी वन ऑफ द बेस्ट है, बट उस टाइम पे सिर्फ एक युवराज सिंह था क्योंकि ज्यादा लोगों के बारे में पढ़ा नहीं था। तो युवराज, ये मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, युवराज कैंसर से निकल कर आया था 2012 में युवराज ने कमबैक किया। तो 2013 में ना युवराज की बुक आई थी द टेस्ट ऑफ माय लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक टू क्रिकेट, दैट बुक वाज लॉन्च्ड ऑन 17th ऑफ मार्च। मैंने प्री ऑर्डर की थी 14th मार्च को, 17th मार्च को मेरा रिजल्ट था, ठीक है, जिस दिन बुक लॉन्च हुई उस दिन मेरे घर पे आ गई और मैं फेल होके घर आया और बुक पढ़ी थी। तो उस दिन मैंने वो बुक पढ़नी शुरू की, एंड 3 days I did not talk to anyone. I closed myself in a room and I did not talk to anyone. तो I read the book for 3 days. And उस दिन समझ में आया कि यार अभी तो बहुत हारना है जिंदगी में, अभी तो क्या ही हारे हैं, अभी बहुत हारना है। तो बहुत ज्यादा हारना जब समझ में आ गया, तो ठीक है समझ आ गया कि अगर बहुत ज्यादा हारना है तो ये छोटी छोटी हार से जीत भी बदल सकती है। तो फिर घर के बाहर आए, उस दिन घर वालों को बोला कि यार ठीक है हार गए तो क्या हो गया, एंड माय पेरेंट्स वर आल्सो वेरी सपोर्टिव कि यार ठीक है बच्चे फेल होते हैं कोई बात नहीं, आप भी हो गए तो क्या हो गया। तो उस दिन बोला कि हाँ फेल हो गए हैं पर अब नॉन मेडिकल नहीं करेंगे, अब बहुत हो गया, अब नहीं करेंगे। पेरेंट्स ने बोला या तूने बोला? नहीं मैंने बोला कि पेरेंट्स को तो था कि यार तू जो करेगा ठीक है तू कर ले, बस किसी तरह पढ़ ले कुछ तो कर ले। पहले नॉन मेडिकल लेने की चॉइस तेरी थी या पेरेंट्स ने बोला था लेने को?
पहले भी ऐसा था कि वो अपब्रिंगिंग में ऐसा रहता है ना, कल्चर में ही ऐसा था कि जो बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है उसको नॉन मेडिकल ले दो। तो मेरा स्कोर अच्छा आ गया था 4.9 CGPA अराउंड, तो तब तो आर्ट्स में ज्यादा कोई जाता ही नहीं था। और जो आपके स्कूल की बात है, जिस स्कूल में मैं बाद में आया, तब तो आर्ट्स की वैल्यू थी। हमारे स्कूल्स में तो यार आर्ट्स को ऐसा समझा जाता था कि जो सबसे फेलियर बच्चा उसको आर्ट्स में डालो, जिसको कुछ ना मिला वो आर्ट्स चला गया उस टाइम पे। तो आशिक जाते थे कॉमर्स में, तो आशिक हम थे नहीं, तो स्कूल में नहीं था। MGM तक मैं आशिक नहीं था, MGM तक हम लड़कों का ग्रुप था और हम लड़कियों से बात तक नहीं करते थे। तो कभी किसी लड़के से बात भी नहीं की ज्यादा यार। तो तब जाके जब फेल हो गए, फिर स्कूल चेंज किया। एंड देन वो स्कूल शिफ्ट होने की जर्नी बड़ी मजेदार रही कि जब फेल हुए और घर वालों को बोला कि अब नॉन मेडिकल नहीं करने, तो कहते क्या करना, मैं पता नहीं, तो चेक करते हैं क्या क्या होता है। तो फिर स्ट्रीम्स पढ़ी, पता चला कि यार मेरी स्किल ऑरेटरी और ऑरेटरी से रिलेटेड देयर इज वन स्ट्रीम व्हिच इज मास कम्युनिकेशन। तो लुधियाना में दो स्कूल्स में थी, एक ग्रीनलैंड था, एक BCM था। मैंने दोनों में अप्लाई कर दिया। ग्रीनलैंड ने तो इजीली बोल दिया कि आ जाओ 11th रिपीट कर लो, ठीक है। BCM ने बोला पहले दिन गेट पे कि हम आपको लेंगे नहीं। अच्छा। गेट पे गेट कीपर ने देखा और बोला कि भाग जाओ यहाँ से, हम नहीं आपको लेंगे। अच्छा। तो उसके बाद देयर इज अ टीचर, अनुजा कौशल वहां के टीचर थे, वो स्कूल कोऑर्डिनेटर थे। तो स्कूल कोऑर्डिनेटर नहीं, वो सब एडमिशन कोऑर्डिनेटर थे। तो उनके पास गए, उन्होंने बोला, उन्होंने मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा, तो वो मुंह पे बेइज्जती करना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि यार, तो उन्होंने बोला कि हम ना जी 11th में लड़कों को लेते ही नहीं है। तो मैं हंसा कि यार 11th आपका कौन सा गर्ल्स स्कूल है जो आप लड़कों को लेते हैं। तो फिर बेइज्जती करके निकाल दिया, फिर दो तीन अप्रोच लगाई, फिर बेइज्जती करके निकाल दिया, फिर मैनेजमेंट को मिला, फिर उन्होंने बेइज्जती कर दी। मेरे को तो स्कूल के अंदर एंटर ही नहीं करने दे रहे थे वो। अच्छा, तो फिर एक BCM के पास आउट ने फिर मुझे किसी एक टीचर के पास भेजा, डॉक्टर किरण सैनी, शी यूज्ड टू बी द स्कूल कोऑर्डिनेटर, कि आप एक बार उनको मिलो। तो उनको मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि ऐसा ऐसा है, भी देखो मैं बहुत एक्साइटेड बच्चा हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक बच्चा हूँ, पर नॉन मेडिकल मुझे सूट नहीं किया। मैं कब कह रहा हूँ कि मुझे 11th के नाम पे एडमिशन दो, मुझे तो 11th में ही एडमिशन चाहिए, तो 10th के मार्क्स देख कर ले लो ना, और मेरे ये सर्टिफिकेट ये सब है। तो एक डेढ़ हफ्ता वेटिंग पे डाला। एंड There's a story which principal ma'am shared on stage after a year, कि गौरव की फाइल मेरे टेबल पर पड़ी थी, and that was the last file, और एडमिशन ओवर हो चुकी थी। और पता नहीं क्या दिमाग में आया कि मैंने इस लेटर पे साइन कर दिया कि ठीक है यार कोई बात नहीं, डालो मास मीडिया में बच्चे को, मास मीडिया में सीट्स कम है। दैट वॉज द काइंड ऑफ थिंग, चलो ठीक है एक डाल दो, कोई बात नहीं, आ जाएगा एडमिशन। मैं उस दिन ग्रीनलैंड की फीस भरने जा रहा था जिस दिन मुझे BCM में लिया गया। ठीक है। I was on my way and I got a call कि आ जाओ BCM में। तो I immediately deposited my fee over there and see life कैसे change होती है। और BCM में आते ही एक महीने बाद मेरा score 96% था from 28%। So May exams का score मेरा 96% था 11th में। फिर mass medium में first आए 11th grade में। फिर उसी साल में इतना कुछ पार्टिसिपेट किया, मॉडल यूएन्स किए उसी साल, फिर प्रणब मुखर्जी ने बुलाया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति भवन में। उसी साल आई वेंट टू वेरियस कॉम्पिटिशंस, आई पार्टिसिपेटेड इन अराउंड आई थिंक 20-25 कॉम्पिटिशंस इन दैट ईयर एंड आई वन ऑल ऑफ देम। तो उस साल वो इतना बड़ा बढ़िया गया कि उसके बाद फिर स्कूल में फेयरवेल पे एंकरिंग, स्कूल कैप्टन बन गए। तो वो डेढ़ साल की जर्नी फिर ऐसा थी कि आई डिड नॉट लुक बैक, बिकॉज मुझे ये दिख गया था कि मुझे ना एक मतलब समझ में आया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेंपरेरी हैप्पीनेस एंड परमानेंट हैप्पीनेस। जो MGM में हम कर रहे थे ना वो थे टेंपरेरी हैप्पीनेस। वो टेंपरेरी हैप्पीनेस ये थी कि टीचरों को तंग कर लिया, लड़ाइयां कर ली, फ्रेंड्स का मजाक उड़ा लिया, वो टेंपरेरी हैप्पीनेस है और वो रोज बनानी पड़ती है। अगर आप एक दिन नहीं करोगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो वो और वो हफ्ते दो हफ्ते बाद खत्म हो जाती है, वो आपको फिर नहीं बनानी पड़ती है। ये परमानेंट हैप्पीनेस थी, विनिंग एन अवार्ड, पार्टिसिपेटिंग, स्कोरिंग 95%। तो ये जो परमानेंट हैप्पीनेस की आदत पड़ गई थी ना, ये लाइफ ने, इसको लाइफ ने बदला। क्योंकि अगर मैं अभी 8 साल बाद भी इफ आई लुक बैक टू माय विजिट एट राष्ट्रपति भवन, इट मेक्स मी हैप्पी एंड मेक्स मी प्राउड। तो वो टेम्परेरी हैप्पीनेस टू परमानेंट हैप्पीनेस जो शिफ्ट आया ना, उसने बहुत बड़ा बदला। और मेरे मामा ने बोला था कि अब मैं तेरे स्कूल नहीं जाऊंगी, जिस दिन मैं फेल हुआ था ना, मेरे मामा ने बोला था कि अब मैं तेरे स्कूल नहीं जाऊंगी कभी, और मैं तभी जाऊंगी जब स्कूल वाले खुद बुलाएंगे। तो उसके दो ही तरीके थे, या तो फिर से फेल हो जाता तो, या टॉप कर जाता, क्योंकि मिडिल वालों को तो बुलाता नहीं, तो फिर टॉप करना शुरू किया, अच्छे मार्क्स शुरू किए। इवेंचुअली
I was one of the district toppers in mass media 12th mein. गौरव, I'm sure कि वो जो टाइम था जब टेंथ में जब प्लस वन में तू फेल हुआ और उसके बाद जब स्कूल चेंज करना पड़ा, वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था तेरे लिए और बहुत ही लो फील कर रहा होगा तू उस वक्त. और मैंने जो तेरी जोश टॉक्स वाली जो वीडियो है, आई थिंक वो मैंने कम से कम 20 बार देख चुका हूँ. मैं जब भी मैं लो फील करता हूँ, मैं डेफिनेटली वो वीडियो देखता हूँ. और जो भी ये लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं रेकमेंड करूंगा. इनफैक्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली वो जोश टॉक्स की जो वीडियो है उसका लिंक डालूंगा, तो आप जरूर देखिए. और गौरव का एक्चुअल का जो स्ट्रगल है उस टाइम का, उसने एक्सप्लेन किया होगा उसमें बहुत अच्छे से, वो आप जरूर देखना. और अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, कोई यंगस्टर है या कोई बड़ा भी है जिसके आगे कोई चैलेंज है इस टाइम पे और जो लो फील कर रहा है, और यू हैव बीन देयर, और उस चीज से निकलना कैसे होता है, मतलब अपना एक्सपीरियंस उस चीज में होता है? इट इज जस्ट अबाउट माइंडसेट. लाइक ऐसा नहीं था कि मैंने कोई बहुत ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी. मैं स्कूल में पढ़ाई नॉन मेडिकल में शायद ज्यादा करता था, मैं 8-8 घंटे पढ़ता था, और मास मीडिया में मैं सिर्फ 2-2 घंटे पढ़ा. ऐसा नहीं है कि मास मीडिया इजी स्ट्रीम है इसलिए मैं कम पढ़ा, बट इसलिए बिकॉज मेरा वहां पे इंटरेस्ट था और वो इजी हो जाता है. और वो ना जो एक मुझे वो डायलॉग है फिल्म्स का कि काम उस चीज में करो जिसमें आपका पैशन हो, और फिर 3 इडियट्स का डायलॉग है, फिर काम नहीं फन लगने लगेगा. तो वही बात है कि उस चीज में करो, आपकी क्वालिटीज को जानो, और जब क्वालिटीज आप जान लेते हो ना, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है जब आपको खुद के बारे में पता चलता है. हम अपनी सारी जिंदगी खुद के बारे में नहीं जानते हैं, फ्रेंड्स को जज करते हैं, यार वो ऐसा है वो वैसा है, हर इंसान को जज करते हैं, ये ऐसा वो वैसा, खुद को नहीं जानते हैं. और जब खुद को नहीं जानेंगे लाइफ कहीं नहीं पहुंच पाएगी. सो यू डोंट नो हु यू आर, तो यू विल नेवर नो वे यू वॉन्ट टू गो. तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा था, और उसके बाद सब इजी हो जाता है. और ये वो टाइम था. आई विल शेयर वन मोर स्मॉल स्टोरी इफ आई एम नॉट टेकिंग मच ऑफ अ टाइम. नो नो नो, आई विल शेयर वन स्मॉल स्टोरी. स्कूल में, BCM स्कूल में जब मैं 12th में था, 12th में ऐसा टाइम आया कि ऐसा नहीं होता है कि आपकी लाइफ में हर वक्त कुछ ना कुछ सब अच्छा चल रहा होता है, आप गलतियां भी करते हो. तो मैंने प्लस टू में जब मैं स्कूल कैप्टन था, कुछ ऐसी गलतियां करनी शुरू कर दी जिसने फिर से सारा खराब करने का बना दिया था प्लान मेरे लिए. लाइक द फर्स्ट मिस्टेक व्हिच आई डिड वाज आई वंस चीटेड इन एन एग्जाम. दैट वाज आई थिंक प्लस टू में जो हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं. तो मैं कॉम्पिटिशन में था, मैंने स्क्रीनिंग टेस्ट दिया नहीं था. एंड वो स्क्रीनिंग टेस्ट दोबारा देने के लिए मुझे एक अलग से रूम में बिठाया गया था. तो उसमें मैं चीट कर रहा था, लाइक आई वाज ओपनिंग अ बुक एंड बुक से पढ़ रहा था. और उसकी मेरी कंप्लेंट चली गई. और वो कंप्लेंट गई एंड द चीफ प्रॉक्टर जो स्कूल कैप्टन बनाते हैं, उन्होंने मुझे अगले दिन सुबह बुलाया और कुछ नहीं बोला. शी डिड नॉट आस्क एनीथिंग, शी डिड नॉट से एनीथिंग. उन्होंने बोला, गौरव डू वन थिंग, स्कूल कैप्टन का बैच उतार. और मैं कांप गया. उन्होंने बोला, स्कूल कैप्टन का बैच उतार. मैंने उतारा. शी सेड, टेबल पे रख और जाओ, डोंट इवन टर्न बैक. दैट वाज द स्टेटमेंट. और मैं उस वक्त, मेरी जिंदगी में मैं शायद इतना कभी नहीं डरा जितना मैं उस दिन डरा था. तो आई हैड नो ऑप्शन, आई कुडंट इवन आस्क एनीथिंग. मैंने टेबल पर बैच रखा एंड आई लेफ्ट क्राइंग, सॉबिंग लाइक एनीथिंग. मैं बहुत बुरी तरह से रो रहा था. और मैं स्कूल से निकला सो दैट कोई मुझे देख ना पाए. मैं पिछले गेट से स्कूल से निकला. उससे अगले दिन मैं प्रिंसिपल मैम के पास गया. प्रिंसिपल मैम ने बोला, वी डू नॉट वांट यू एज आवर स्कूल कैप्टन, डू नॉट कम टू माय ऑफिस एवर अगेन. एंड मैं चला गया वहां से. 2 days आई डिड नॉट गो टू स्कूल. 2 days लेटर आई टेक्स्टेड द चीफ प्रॉक्टर एंड प्रिंसिपल मैम एंड आई टोल्ड आई अपोलोजाइज फॉर एवरीथिंग. उन्होंने मुझे एक और मौका दिया कि गौरव यू हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, हम तुझे एक मौका और दे रहे हैं, तू अब हवा में आ रहा है, इसको चेंज कर ले. तो ये स्टोरी मैंने बहुत लोगों के साथ शेयर नहीं की है. मेरे स्कूल में भी शायद किसी को ये ज्यादा नहीं पता. तो उस टाइम पे वो हुआ तो ठीक है, वो स्कूल कैप्टन का बैच वापस मिला. वो पहला अलार्म बजा कि नहीं, यू डोंट हैव टू रिपीट द मिस्टेक्स अगेन, ये जो दोबारा मौका नहीं आएगा. तो फिर अगले 3-4 महीने बहुत डट के पढ़ाई करी और स्कूल के लास्ट फेयरवेल के टाइम पे आशिकी शुरू कर दी. ठीक है, दूसरी गलती. वो मेरा टाइमिंग बहुत गलत था कि बोर्ड सर पे थे और स्कूल खत्म होने जा रहा है और फेयरवेल वाले दिन आप आज की शुरू कर रहे हो और महीने बाद आपके बोर्ड एग्जाम्स है फाइनल. तो वो एक गलती होती है. लाइक यू चूज. सी, ऐसा नहीं होता कि प्यार हो जाता है और रिलेशनशिप हो जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता. आप प्यार करते हो, आप रिलेशनशिप प्लान करते हो, हमेशा ऐसा ही होता है. तो अगर आप गलत टाइम पे प्लान कर रहे हो तो वो आपकी गलती है. वो मेरी गलती थी
So I planned it during my board exams. And 1.5 months ka relationship tha. And I broke up just before my theater studies board exam, like third board exam mein. Okay. Board exam se pehle I broke up. Okay. 2 days before the exam. Aur maine books wagera, like I didn't study at all. तो मेरे सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स 95 अबव हैं और थिएटर स्टडीज में मेरे मार्क्स हैं 81 एंड उसने 17-18 नंबर का फर्क डाला जो मेरे लिए बहुत बड़ा फर्क था जिसके कारण मैं DU नहीं जा पाया 3 months later तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था. एक और चीज मैं जो शेयर करनी है जो आप स्ट्रगल की बात कर रहे हो कि मेरा ना साइकोलॉजी का फाइनल एग्जाम था बोर्ड का एंड माई मदर वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड घर पे लड़ाइयाँ चल रही थी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डेट एंड एवरीथिंग. बहुत बड़ा इशू चल रहा था फाइनेंशियल डेट का और बहुत बड़ी लड़ाई हो रही थी घर पे साइकोलॉजी एग्जाम से पहले. साइकोलॉजी एग्जाम से एक रात पहले एक शाम पहले जब आप सबसे ज्यादा पैनिक में होते हो घर पे लड़ाई चल रही थी और मैंने क्या किया मैंने अपनी साइकोलॉजी की बुक फाड़ दी कम्प्लीटली. सो आई टियर्ड द बुक डे बिफोर माई फाइनल बोर्ड एग्जाम. 2-3 घंटे मैं पैनिक में रहा और 3 घंटे बाद लाइक रात के 11 बज चुके थे और मैंने बुक किसी से मंगवाई और इंटरनेट से थोड़ी बहुत डाउनलोड किया एंड स्टार्टेड स्टडीइंग अगेन. तो मेरे लिए टाइम बहुत स्ट्रगलिंग रहा है फैमिली को लेकर भी लाइक लाइफ को लेकर भी बट आई वोंट से के कुछ ज्यादा ऐसी स्ट्रगल है जो किसी के घर पे नहीं होती. ऐसी स्ट्रगल हर इंसान के घर में होती है. लड़ाइयां सबके घरों में होती हैं और फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत घरों में होते हैं. जिसके घरों में फाइनेंशियल नहीं होते कोई और फैमिली इश्यूज होते हैं जॉइंट फैमिली इश्यूज होते हैं और जिनके घर जिनकी लाइफ में पढ़ाई के इश्यूज नहीं होते उनके रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं डिसिप्लिन इश्यूज होते हैं. तो कुछ ना कुछ हर की जिंदगी में होता है. तो कोई एक्सक्लूसिव नहीं है स्ट्रगल किसी का ना ही मेरा था. बट मेरी स्ट्रगल में लेसन बहुत अच्छे अच्छे थे और दैट इज वॉट हैज मेड मी वॉट आई एम टूडे. तो उस रात वो स्ट्रगल ने ये सिखाया कि नहीं दोबारा वो गलतियां नहीं करनी है हारने वाले. इस बार नहीं हारना है. इस बार आपको कुछ करना है और अभी उस करने का टाइम बाकी है. गिरना नहीं है. तो मेरे मुझे फेलियर ने ये सिखा दिया था कि इसके बाद मैं गिर सकता हूँ मैं हार नहीं सकता. आई कैन फॉल अगेन एंड अगेन. उसके बाद उठना जरूर है. या सो आई कैन फॉल अगेन एंड अगेन बट आई कैन नेवर लूज आफ्टर दैट एंड नेवर हैपन. 8 साल में बहुत गिरा हूं पर हारा नहीं कभी उसके बाद. गौरव तूने बात की टाइमिंग रिलेशनशिप्स में तो व्हाट डू यू फील इज द राइट टाइम टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू यू. मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए उस वक्त. इसमें ना बहुत मजेदार बात है कि तुम जितना मर्जी पढ़ा लो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जितना मर्जी पढ़ा ले कुत्ते की तुम सीधी नहीं होती है. खासकर इस केस में इस केस में तो कुछ भी नहीं होती. वही बात है ना कि एक वो बीबी ने डाला था बीबी की वाइंस ने कि तुम 6 महीने किसी को रिलेशनशिप एडवाइस दे लो ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कराने में 6 महीने लेक्चर दे लो उसका एक मैसेज तुम्हारी 6 महीने की मेहनत खत्म कर देगा. तो ये सच है. आप ना इसमें लेक्चर दे नहीं सकते. और मैं हमेशा कहता हूँ कि सी आई कैन बी एन आइडियल पर्सन एंड से इन एन आइडियलिस्टिक वर्ल्ड दैट रिलेशनशिप की एज होती है यू गेट इन टू योर 20s And then get into a relationship because तब stable हो जाता है. तब आपको अपनी life का पता होता है. School में आपको पता ही नहीं आपने कहाँ जाना है क्या करना है. पर इससे ये sure है कि इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि सबको relationship में school में आने की चुल होती है और सब आएंगे. तो but that's a life lesson I can give everyone that it is not a stable time to be in a relationship because you do not know your life is very unstable at that point of time. आपकी college के बाद जाके life इतनी stable हो जाती है कि आपको पता होता है आपको किस शहर में रहना है. मेरी दूसरी गलती ये थी दैट द सेकंड रिलेशनशिप आई केम इन अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स हैपेंड इन माय लाइफ एंड इट हैज बीन द मोस्ट प्योर थिंग एवर हैपेंड इन माय लाइफ. शायद जितना मैंने तरक्की अपने रिलेशनशिप के साथ की है अगर वो ना होता तो शायद आई वुडंट हैव सर्वाइव्ड एनीथिंग. एंड आई ऑलवेज से एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू द पर्सन कंसर्न्ड की फाइन बट द मिस्टेक व्हिच आई डिड वाज that I got into a relationship when my partner was very young. He was in 11th grade. Okay. He was in my first year of college. Okay. I knew what I was doing with my life. Like I had come to Ludhiana. I was struggling with my life. Initiatives of change was formed tab tak. But she was very young. So, pehle 3 saal relationship bahut achha chala. Because she was with us in Ludhiana. Yeah. She was one of the work partners as well and everything. But then the person shifted abroad. एंड वेन द पर्सन शिफ्ट अब्रॉड वही बात है कि आपको नहीं पता कि उसकी लाइफ के साथ क्या होना है. फिर आप जितना मर्जी प्लान कर लो
कि अभी अभी जी नहीं मैं बाहर आ जाऊंगा, नहीं आप इंडिया आ जाना, आपको नहीं पता है कि दूसरे इंसान के वहां पे जाके क्या होगा और वहां पे उनके सर्कमस्टांसेस क्या होंगे. तो इट कैन ब्रेक. सो दैट वाज माय मिस्टेक दैट आई डिड नॉट आई शुड हैव एंड एवरीवन शुड गेट इनटू अ रिलेशनशिप व्हेन दे नो अबाउट देयर लाइव्स और एल्स दे शुड बी कन्विक्टेड इनफ कि यार ठीक है उम्र से हो जाए जिंदगी में छोड़ना नहीं है. I think that's the only thing required for a relationship to sustain is that a conviction of both the partners. कि छोड़ना ही नहीं है यार, जो मर्जी हो जाए नहीं छोड़ना. तब लड़ मर के तभी चल जाता है. And do you believe कि जो एक connection होता है या एक attraction होती है with time that fades away? Yeah, I did not believe. Honestly, I did not believe. Okay. Because it never faded away in my case. Okay. And it still doesn't. See, it's been 1.5 years that I've broken up, but it still doesn't fade away. And it never fades away. Okay. Yeah. Never fades away when you're truly attached. Hmm. I think it fades away when somewhere, even in the start, you know ki itna nahi chalega. Okay. Sometimes you don't. Sometimes na wo Karan Aujla ka gana wo hint ki wo na wo life ki ek chote si wo line life ki reality hai ki. पहले वीक होगी गुस्से, दूसरे वीक गुस्से, तीसरे वीक नजर आज फर्क पिया. It never fades away with time. Okay. It is कि वो पहले आपके इंसान को पता होता है कि इतना नहीं चलेगा, दूसरा इंसान समझ रहा होता है कि नहीं यार ये चल रहा है, ये बहुत सही चल रहा है. पर कभी-कभी there's something in the other person's mind जो आप नहीं जज कर पाते हो. और ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपके साथ रहना नहीं चाह रहा होता है, वो भी रहना चाह रहा होता है. ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ सीरियस नहीं होता है, बट उसको पता होता है कि ये चलेगा नहीं. Okay. तो इवेंचुअली वो गिव अप कर जाता है. आई थिंक लव नेवर फेड्स अवे. लव कैन, मेरे मम्मा ने एक बहुत अच्छी बात मुझे समझाई थी कि प्यार ना आपका चेंज होता रहता है. आप कभी भी अपने, जैसे पेरेंट्स हमारे मम्मा पापा को नफरत भी करते हैं कभी कभी, कभी कभी प्यार भी करते हैं. तो प्यार ना ऐसी चीज है जो कम ज्यादा होता रहता है, वो नफरत में बदलता रहता है. पर रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप की वैल्यू, ये कॉन्स्टेंट रहती है. अगर ये कॉन्स्टेंट रहे ना तो सब तो प्यार कम भी हो जाए चल जाता है. जब रिलेशनशिप की एक वैल्यू की ये जब कम हो गई ना तब खत्म हो जाता है. रिस्पेक्ट नहीं कम होनी चाहिए, प्यार कम हो जाए चल जाता है. okay. कम प्यार में जिंदगी जी जा सकती है. लाइक योर मदर कैन फाइट विद योर फादर, बट शी कैन से कि ओके ही इज स्टिल माय हस्बैंड, आई हेट हिम बट ही इज स्टिल माय हस्बैंड एंड आई रिस्पेक्ट दैट रिलेशनशिप. सो दैट इज द थिंग व्हिच आई एक्चुअली लुक फॉर अ रिलेशनशिप, नॉट लव एक्चुअली. ऑलराइट. सो डू यू थिंक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स वर्क? Or they can work. It did not work for me. It worked for my my sibling. So I'll say that it. So I'll say it only works long distance or any relationship. It works if both the partners are connected enough. Long distance में जो इंसान जाता है, जो इंसान long distance में जाता है, let's say जिसकी life change होती है, जैसे दो लोग लुधियाना में रहते हैं, और जो जा रहा है वहाँ, आपकी जिंदगी नहीं change हो रही, उसकी change हो रही है. Yeah. तो उसको अपनी चेंज हो रही जिंदगी में रिलेशनशिप कहाँ पे रखना है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. बिकॉज आपकी लाइफ भी चेंज हो रही होती है, और आपके लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समझना कि उसकी जिंदगी चेंज हो रही है. अब सब कुछ सेम नहीं रहेगा. तो जब दोनों ये समझ लें तो लॉन्ग डिस्टेंस वर्क कर जाता है. और दूसरे के ऊपर एक एक्स्ट्रा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बाहर जाता है, बिकॉज उसको समझना है कि फॉर द अदर पर्सन द लाइफ इज स्टिल सेम. Yeah. And it was her or his decision to go abroad. Now they have to handle with their choices, they have to handle the relationship as well. Yeah. So that's how I see it. So did you ever feel insecure when she went abroad? No, I did not. And no, I think in our relationship the best thing was that we never felt insecure because of these things. There were no trust issues. Yeah, there were no trust issues. There were never trust issues. Okay. Yeah, there were sometimes low moments where you feel low about yourself, but there were never trust issues. There were moments when I felt low ki yaar shayad I am not that deserving. Okay. So then you start asking your partner ki whether there's a possibility that someone else can come. Yeah. But there was never a trust issue for my relationship, never. So I trusted and the person trusted as well. Do you still talk to that person? No, I do not. I do not. I haven't talked to the person in 1.5 years since the day we broke up. But it has been a blessing, and I always see it as a blessing because I have seriously grown a lot.
I have seriously grown a lot, and the support I've got from the person is beyond I can express. Okay. Do you like have a sense of hate for that person? जब ब्रेकअप होता है ना तब आप बहुत सारे इमोशन से गुजरते हो. पहला होता है डिनायल का कि नहीं यार ऐसा ये कुछ नहीं हुआ. दूसरा होता है नफरत का. दूसरा होता है बेगिंग का कि फाइन हो गया है आप बेग कर रहे हो. तीसरा होता है जब आपकी बेगिंग वर्क नहीं करती है ना तब आपको नफरत होती है कि यार मैं भीख मांग रहा हूँ यार इतना भी क्या हो गया. फिर आपको नफरत होती है बट कुछ टाइम के बाद एक्सेप्टेंस का. So the fourth phase is acceptance. So I got into that fourth phase of acceptance in I think two and a half months. So I used to send some emails of hate initially. Okay. But then I realized that no, I'm doing wrong, because it is everyone's choice to stay in and out of a relationship, and you have to accept the reality. And how did this heartbreak affected your life? Professionally or it did. Personally? It did badly. I'll not say that since I am a motivational speaker, people expect me to behave like I'm the strongest person ever, but it is not like that. It affects, and I have always been an emotional human, and it affected very badly. For 2 months I was completely bedridden. Okay. And I even had to go to a psychiatrist. I had to go for therapies. The only thing which kept me going was, and I always say कि जी जीवेशु वालों वाले कि मुझे वो बहुत बहुत सही लगते हैं कि आप जब सबसे lowest point पे अपना जिंदगी के तब आप वो करो जो आपको सबसे अच्छा लगता है. चाहे नहीं मन कर रहा पर करो, क्योंकि अकेले रहना आपको ठीक नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा. और sympathy gain करना भी आप ठीक नहीं करेगा. सोशल मीडिया भी आपको ठीक नहीं करेगा. आपको ठीक वो चीज करेगी जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है उस टाइम पे. तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा दो चीजें लगती है. नंबर वन क्रिकेट. तो द डे आई ब्रोक अप, the very next day I hadn't played cricket for at least 1.5 years us din tak. Okay. Usse agle din subah maine 20 logon ko bulaya, ladke ladkiyan sabhi ko bulaya that I knew. Everyone came at 5:30 in the morning and I said I've broken up. Okay. Agla ek mahina mere liye bahut bura rehne wala hai. I need you all to play cricket with me. To agle din subah 5:30 humne cricket khela. The second thing which I loved doing was my work as a motivation speaker. I went to every possible college. जब आप दूसरों को जिंदगी देने लग जाते हो ना तब आपको अपनी जिंदगी की समस्या बहुत छोटी लगने लग जाती है. बिल्कुल. तो तब आप स्केयरसिटी मोड में नहीं होते हो, तब आप अबंडेंस मोड में होते हो कि आपके पास कुछ अबंडेंस में और आप दे रहे हो, तब आप देने वाले बन जाते हो. तो आपको अपनी जिंदगी की कमियां छोटी लगने लग जाती है. तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था. द थर्ड थिंग व्हिच हेल्प्ड मी कम आउट ऑफ ब्रेकअप वाज माय ट्रैवल. सो आई ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली. अच्छा. आई हैव ऑलवेज ट्रैवल्ड बट ब्रेकअप ईयर में तो मैंने आई ट्रैवल टू 78 सिटीज. सो आई यूज्ड टू काउंट ऑल ऑफ दैट. आई ट्रैवल 11 स्टेट्स ऑफ दिस कंट्री एंड आई ट्रैवल हेल. बहुत ट्रैवल किया मैंने. ऐसा था कि वन वीक आई वाज इन गोवा. फ्रॉम गोवा द वेरी नेक्स्ट डे आई वाज इन ऋषिकेश. फ्रॉम ऋषिकेश द वेरी नेक्स्ट डे आई वाज इन देहरादून. देहरादून से दिल्ली. दिल्ली टू लुधियाना. सो आई डिड नॉट गो टू माई प्लेस फॉर आई डोंट नो फॉर अ मंथ. आई डिड अ कंप्लीट महाराष्ट्र टूर. आई डिड अ कंप्लीट बिहार टूर. सो आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट. उसने बहुत हेल्प किया यार. सो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू गेट ओवर? इट्स स्टिल टेकिंग. एंड आर यू स्टिल होप? आप कभी भी हां. एंड आर यू स्टिल समवेयर होपफुल? नहीं. सी ऐसा नहीं है कि अभी रोना आता है. अभी रोना नहीं आता है. मैं अभी अपने रिलेशनशिप से बाहर आ चुका हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं बाहर नहीं आया हूँ. पर आपकी जब इतना लंबा साथ होता है ना, 4-4.5 साल का, तब आप उस साथ को भूल तो सकते नहीं हो. आई हैव नॉट डिलीटेड अ सिंगल टेक्स्ट टिल नाउ. आई हैव नॉट डिलीटेड अ सिंगल पिक्चर टिल नाउ. एंड आई डोंट इवन वांट टू डू दैट बिकॉज आई वांट टू लिव विद दोस मेमोरीज. ऑलराइट. तो तूने थेरेपी की बात की दैट यू वेंट फॉर थेरेपी. तो इंडिया में जैसे तुझे तो अच्छे से ही पता है कि मतलब पीपल स्टिल डोंट नो कि कब वो लोग एक्चुअल में एंग्जायटी इश्यूज से सफर कर रहे हैं, डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं. तो कुछ pointers हैं कि कैसे किसी को पता लगेगा कि वो एक्चुअल में डिप्रेशन में जा रहा है या जा रही है? I'll say that actually इंसान को पता होता है, but उसकी फैमिली उसको डिनाइल में डाल रही होती है. बिकॉज हमारे इंडिया में फैमिली एटमोसफेयर ऐसा है कि द फैमिली से कि आपको कुछ नहीं, ऐसे ही तू पागल बन रहा है, कुछ भी नहीं है, खा ले ठीक हो जाएगा. कुछ लोगों को मिल ले ठीक हो जाएगा. तो वो हर घर में होता है और मेरे घर में भी था. इंसान को पता होता है कि there's something going wrong, क्योंकि behavioral changes, eating pattern के changes, sleep pattern change होना, ये दिखना शुरू हो जाता है.
So the moment your sleep pattern shifts, the moment your eating pattern shifts, the moment your the structure to work shifts, जब वो चेंज हो जाए ये तीनों चीज तो आप समझ जाओ दैट समथिंग इज रॉन्ग एंड यू नीड टू गो टू थेरेपी. बिकॉज़ जब आप थेरेपी के लिए नहीं जाओगे, आप काउंसलिंग के लिए नहीं जाओगे, फिर आपको मेडिसिंस के लिए जाना पड़ेगा और मेडिसिंस इज नॉट अ गुड थिंग. और मैंने ये भी I've also heard this कि अगर आपको जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद होती है, अगर आपको वो चीज करने में मजा भी ना आए, दैट इज एक्चुअली सिम्पटम ऑफ यू बीइंग इन डिप्रेशन. डिड दैट हैपन टू यू? या एग्जैक्टली. Yeah, that's what I'm saying, कि जब आपका वर्क पैटर्न चेंज होने लग जाए ना, तब आपको पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है आपका ईटिंग पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न और वर्क पैटर्न, ये तीनों बहुत डिपेंड करता है. आपको पता चल जाता है कि अब आपको जो काम में मजा आता था वो नहीं आ रहा है, और there's a reason behind that. वो आपको पता चल जाता है. तो गौरव, तूने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था माल नरिश्ड, और तूने एक बार आई थिंक मुझे रिप्लाई भी किया था किसी स्टोरी पे दैट यू नीड टू गेन वेट. तो डिड यू एवर हैव एनी बॉडी इमेज इश्यूज? Or did someone ever bully you for your body type? I was bullied a lot, and I've always been bullied a lot. I am 5'4", 5'5", I don't know what I am. Okay. I am, by weight, I am not more than 47. Not more than 47. Okay. So, luck 28 and 47 weight was made for me. So, that song was made for me, I say. Or स्कूल में भी छोटू चाय वाला से लेकर अलग अलग नाम तो ये सब रहे हैं हमेशा. पर मेरे लिए हाइट का भी मैटर नहीं की, बिकॉज द रीजन इट नेवर मैटर टू मी वाज मैं हमेशा से एक अच्छा अचीवर रहा हूँ यार. एंड आई हैव अचीव्ड वे मोर देन विद माय असली कद आपकी इज्जत का होता है यार. Exactly. असली कद आपकी अचीवमेंट होता है. तो मेरे लिए वो लाइन हमेशा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखो, आई मेट डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, ये सब 5'3" 5'4" रहे हैं. तो मुझे लगता है कि यार अच्छा ये लोग ठीक है, तो आप कुछ आपको हाइट तो नहीं तंग करेगी. सचिन तेंदुलकर की वाइफ उससे 4 इंच लंबी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सचिन तेंदुलकर फिर भी गॉड. तो इसीलिए टू मी आई हैव हैड टू रिलेशनशिप्स, नेवर फॉर वंस हाइट वाज एन इशू. हाइट हैज नेवर अफेक्टेड माय लाइफ. Okay. Now I'm 25 and I'm at an age where at 3-4 years my parents will be looking for me to get married. Yeah. Now the weight is an issue, and weight and immune system is a strong issue now, and I think that has to be an issue. If I do not say that it's an issue, I'm bad, because health issues rehte hain. Jab aapka weight kam rehta hai, jab aapka immune system kamzor rehta hai, to health issues rehte hain. और आपको health issues ठीक करने हैं. मैं gym join करता हूँ, छोड़ देता हूँ. और मैं आज भी सीख रहा हूँ कि अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है. तो आई थिंक दैट्स वन वे आई ऑलवेज से दैट देयर इज अ स्कोप टू इंप्रूव अ लॉट इन माय लाइफ. अच्छा, सो यू टॉक्ड अबाउट गेटिंग मैरिड 3-4 इयर्स डाउन द लाइन. सो वुड यू प्रेफर बीइंग इन अ लव मैरिज और आर यू ओके विद एन अरेंज मैरिज आल्सो? यार मैंने अपने हिस्से का प्यार कर लिया यार. मैंने कर लिया, मैंने आशिकी कर लिया. अब मुझे यह कि सी आशिकी हो चुकी है. अगर भगवान ने चाहा तो हो जाएगी आशिकी अभी, पर मुझे अभी नहीं करनी है. तो वो या ना अपने रिलेशनशिप को प्लान करते हो. तो आई से दैट आई डोंट नो वेदर समवन कम्स इन लाइफ और नॉट, बट इवन इफ समवन कम्स, आई वांट दैट पर्सन टू बी इन अ रिलेशनशिप विद मी एटलीस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मंथ्स बिफोर द मैरिज, नॉट मोर देन दैट. आई कैन नॉट हैंडल अनदर 4-year लॉन्ग रिलेशनशिप एंड देन लूज इट. सो देयर इज अ फियर व्हिच कम्स इनटू प्लेस एज वेल. द सेकंड थिंग इज दैट considering the life I am living right now, and I want to share this with everyone tonight. I want to share this with everyone tonight to all of watching, because this is going to be blunt and honest. So I want to share this once and for all. Shayad, I hope log ise dekhe, log video ko dekhe, and this is very important for my personal life as well. Okay. That everyone lives a personal life, but I have always lived a public life, and I have always lived a life of a youth activist and activist, always in media and everything. So when you are an activist, or when you are a public figure, it is very easy to spoil your image. It is easy to spoil your character. Yeah. So it has started happening to me that since the day I have broken up, okay, every girl I have talked to, I have been linked badly with the person. Okay. So it is not that Gaurav Deep Singh is still a youngster. He is still a 24-23-year-old guy who will look forward to getting into relationship. Why won't he? Because he is one of a youngsters like any other human. Yeah. But the problem is, Sharab, that when a person like me looks up to get into a relationship,
and talks to someone even on social media, that becomes an issue, that becomes a controversy, and that becomes a major deal for people. And I think that has affected me a lot when it comes to choosing about being in a relationship or not. So the reason, the major reason I don't want to be in a relationship is because of the field I've chosen. Because everything you do, there's a massive scope of getting an image spoiler, because it has been happening. Jo jitna public mein hota hai, usko badnaam karna utna aasan ho jata hai. So I do not want to give anyone a chance to say that Gaurav Singh, let's say, is right now talking to a girl, or is linked with this person, or is linked with that person. Because it will start happening if I again look for a relationship, because I don't want to now. Wouldn't that be unfair to your personal self? It would be. But why do you care about everything comes with because Sharab, if I say to all the people who are watching right now, to all the youngsters who are watching right now, that personal life hoti hai, social life hoti hai, it should not matter, then I'm wrong. Okay. Because every public figure, once you enter a public domain, you do not have a social life. But you do not have a personal life. Let me be very clear. The principal of our school, if we look at her, cannot say that is my personal life and that is my school life. Yeah. She is the voice of BCM RM Model School. Similarly, when I say that I am the founder of Initiators of Change, I am the voice of those 2,000 youngsters who are involved. So I cannot get away by saying that I have a personal life as well. Similarly, a person like Hardik Pandya cannot get away by saying aaj main karke aaya is his personal life, because people look up to Hardik Pandya. So understand the point that people like me, or people even who are in politics, they do not have a personal life, and they cannot have a personal life. So I have made my peace with it, but with time, that I cannot have a personal life with where I can do everything I want. I have to lead a personal life which reflects my public life. So I am trying to live my life. It is very tough, because personal life mein insaan galatiyan karta hai. Public life mein aap hamesha apni ideal self mein hote ho. Personal life mein aap galatiyan karte ho. Aur hazaron youngsters ki tarah main bhi bahut galatiyan karta hu. So I want to say to everyone right now that I will make mistakes. Exactly. But I'm trying to reflect onto my public life. And that's what I'm trying my best to do. तो अभी इनिशिएटिव्स ऑफ चेंज की बात करते हैं. इनिशिएटिव्स ऑफ चेंज के बारे में अच्छे से बता कि कैसे शुरू किया, क्यों शुरू किया, कैसे आइडिया आया दिमाग में, और कब शुरू किया, एंड हाउ बिग इट हैज बिकम नाउ. I'll give it very brief. Initiators of Change का idea ऐसे आया था. The partner right at that time, my girlfriend at that time, she, my sister and my best friend Sifti Bhatia. So we four were there, and one day suddenly Dr. Kalam died. ये idea school time से था कि कुछ तो करेंगे. तब तक मैं बहुत सारी organizations में रहता था, और एक ही चीज मुझे देखने को मिलती थी, जिसमें youngsters के ideas की value नहीं होती थी. Like everyone used to say कि काम करो, but youngster जब भी कुछ बोलता था तो सब बोलते थे बेटा अभी तेरी सीखने की उम्र है, अभी सीख. तो I wanted to do something where youngsters could express themselves, where I could. At that time मुझे नहीं था कि मैं कोई दुनिया बदलनी है, मुझे था कि यार मुझे कुछ खुद को खुद के तरीके से express करना है, and that's how I want to lead myself, or I want to start an organization where we as people can express ourselves fully as youngsters. So I remember Dr. Kalam died 27 July. 2015. 27 July 2015, Dr. Kalam has helped me a lot in my life. Personally, on a personal front, I have met Dr. Kalam only once. For a minute and a half. That single minute taught me how to live my life. And I owe a lot to Dr. APJ Abdul Kalam. Okay. And so Dr. Kalam, the day he left this world, was the day I decided कि मुझे organization का तब नहीं पता था, but मुझे ये था कि Dr. Kalam के लिए ज़िंदगी में कुछ करना है. तो एक model UN conference organize की Dr. Kalam के नाम पर. उसी दिन अपनी party को message की, okay, I'm doing this conference, I'm the secretary general and you are going to be there. And I texted my best friend and my sister was there. तो हम चारों ने मिलकर organization शुरू की. चार लोगों की organization, आज 5 साल में हमने campaigns किए, activities की, exhibitions की, events किए. We have worked a lot. We have worked with ministries. We have worked with Election Commission of India. We have worked with corporations. Yeah. And I have been fortunate enough to get a National Youth Award, a Nobel Asian of the Year, a Rashtriya Gaurav Puraskar. Initiators of Change has been honored by Election Commission of India.
after 5 years, we are completing our fifth year in 2020. And after 5 years, Initiators of Change is a family of more than 200 active people. Okay. And more than 2,000 volunteers have come and gone all over North India. We have branches in Amritsar, we have branches in Jalandhar, we have branches in Chandigarh, Ludhiana, Delhi. So we are working in various places and working extensively with governments. Okay. So I'm sure ye question tujhe bahut zyada aata hoga ki social entrepreneurship mein the income isn't certain ki kitne paise aayenge. So do you see it as a sustainable like choice for your career? Because there was a point in my life also where I considered social entrepreneurship as a career choice. But then my interest shifted somewhere else. Social entrepreneurship as of now is not a stable income source for me. Okay. I'm not earning from social entrepreneurship as of now. Okay. I'm not earning from Initiators of Change as of now. Okay. I'm earning with my freelance motivational speaking. Mm-hmm. I'm earning with the work I do with the Election Commission of India. Okay. I am earning with various conferences I advise. I'm earning with various schools I advise. But now I've started to earn like let's say 1,000-2,000 rupees from Initiators of Change. The plan is to leave everything in 1 year and earn completely from Initiators of Change, draw my salary. But even if I make it possible, let me be very clear. Like organizations like Khalsa Aid, Feeding India, organizations which are at a big level are major social entrepreneurship models. सो उन्होंने अर्न किया है और वो अपने एम्प्लॉयज को 5-5 लाख रुपए की सैलरी भी मंथली दे रहे हैं. सो एंड उनके फाउंडर्स उनके प्रेसिडेंट्स आर ड्रॉइंग सैलरीज इन लैक्स विच इज अ गुड थिंग आई से. बट अनफॉर्चुनेटली द सोसाइटी डज नॉट अंडरस्टैंड इट. फॉर सोसाइटीज देयर इज नथिंग कॉल्ड अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. उनके लिए आज भी समाज सेवा है. Yeah. समाज एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है. और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी तभी होती है जब आप फुल टाइम काम करते हो. मैंने मैं एज अ जर्नलिस्ट लुधियाना लाइव के साथ काम किया, फतेह टीवी के साथ काम किया. जब तक मैं कर रहा था इनिशिएटर्स ऑफ चेंज वाज अ पार्ट टाइम थिंग और तब तक वो ग्रो नहीं हो रहा था. 2018 मार्च आई लेफ्ट एवरीथिंग. Okay. तब से मैं इंडिपेंडेंट हूँ. I resigned as a TV anchor and I was earning good 30-35,000 rupees a month. Okay. And I was still not a graduate at that time. Yeah. I did not need any more money from Initiators of Change. But the reason I left everything and struggled with Initiators of Change was because I know that there's a bigger goal I want to achieve other than money. So money does not drive me. For people who are driven by money, social entrepreneurship is not a deal. पैसा आएगा पर आप खुल के दिखा नहीं पाओगे कभी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में. तो लेट मी बी वेरी क्लियर, इवन इफ आई एम अ सोशल एंटरप्रेन्योर एंड आई अर्न गुड, पीपल विल नॉट लेट अ सोशल एंटरप्रेन्योर लिव. नंबर वन. नंबर टू, अ सोशल एंटरप्रेन्योर ऑलवेज नीड टू हैव अ लाइफस्टाइल व्हिच इज अ सिंपल लाइफस्टाइल. लेट्स से द फाउंडर ऑफ खालसा एड, सो लीड अ सिंपल लाइफस्टाइल. सो इफ मनी एंड लग्जरी ड्राइव्स यू, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ डील फॉर यू. Okay. But if money doesn't drive you and you're okay earning your salaries, so social entrepreneurship is a good thing. Because what drives me most is where I reach with my team. Okay. But yes, financial security is one thing which I'm working on. Okay. So, तुझे लगता है कि degree important है आज के time में? No, I don't think important है. I really don't think important है. Okay. उनके लिए important है जिनको service sector में जाना है, that's it. जिनको सैलरी लाइफ जीनी है, जिनको डेस्क जॉब्स करनी है, जिनको जिनको खुशी मिलती है 25-30 हजार में, 50 हजार में, 1 लाख में, एक पर्टिकुलर सैलरी में, एक फिक्स्ड इनकम में और एक फिक्स्ड लाइफ में, उनके लिए डिग्री जरूरी है. बट मुझे वो ड्राइव नहीं करता है. तो सी इट्स अबाउट पर्सनल चॉइसेस एंड आई डू नॉट सी सर्विस सेक्टर डूइंग वेरी वेल नाउ. सर्विस सेक्टर वोंट डू वेल इन फ्यूचर. वेरी क्लियर. ओके, सो हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ? If I count my personal followers, if I count my personal followers, that is around 2,500. If I add them to the followers of Initiators of Change, because that is an also one account which I use for my work. Yeah. So I have a total number of 7,500-8,000 followers. Okay, so that's a good number. तो उससे तो online hate भी बहुत आती होगी. I'm very sure. क्योंकि मैं अपना experience बताता हूँ. Online hate बहुत आती होगी. क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं
जैसे अभी मैंने नया YouTube चैनल स्टार्ट किया और मैं कभी कभी कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ और कोई स्ट्रेंजर बंदा जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ वो कुछ भी लिख के चला जाता है, तो वो पढ़ के स्टार्टिंग में मतलब आई वॉजन यूज टू इट, और जब पहली बार ऐसा कुछ गलत या गंदा कमेंट पड़ा तो आई वॉज लाइक यार कि मुझे क्यों बोल रहे हैं, मुझे तो जानता भी नहीं है, तो ऑनलाइन हेट को हैंडल कैसे किया जाए? आई हैव रिसीव्ड अ लॉट, आई हैव रिसीव्ड, आई से देयर हैव बीन टाइम्स दैट इट हैज नॉट ओनली बी वन इंडिविजुअल, वन इंडिविजुअल वाला तो अभी 15 मिनट पहले कॉल, आपके वीडियो कॉल से 15 मिनट पहले कॉल आकर हटा फ्रॉम अ प्राइवेट नंबर, अ फॉरेन फेक नंबर +544 और माँ बहन की गालियां निकाल रहे थे, तो दिस हैपेंस रेगुलरली, तो सोशल मीडिया पे एक दो कॉमेंट, ये नॉर्मल है, ये मैसेजेस ये सब बहुत कॉमन है. मेरे लिए बिगर इंस्टेंसेस हैज बीन वेयर आई हैव रिसीव्ड अ प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड हेट बाय ऑर्गेनाइजेशंस. So I had in 2016 I had my Facebook account hacked. Someone hacked my Facebook account. All the pictures, statuses, friends were removed to zero. That happened in 2016. 2019 when I was working in elections with Kanhaiya, I was helping Kanhaiya Kumar in his elections. So I was tagged as a Khalistani person by on some IT cell person on Twitter. And that received around 55,000 retweets and all of that, the threats and everything, they started coming. Recently, I posted one tweet on Instagram, the tweet picture on Instagram that the lockdown is happening in India, but Kashmir has been going through that for a long time now. Yeah. And some people from some IT cell, I don't know who, I don't know which party, I don't know which person, but they triggered it and they started posting chup BC or chup MC, like complete words. Okay. And they were immediately in 10 minutes, there were 1,000 comments on my post. With just chup BC and chup MC. So this kind of hate, this starts coming, but you need to understand at one point or the other that people who do this, they see you as a big person. So it is a motivator for me rather than something which pulls me down. I get motivated by this. The moment I get hate, I get motivated by this. कि यार वाह मतलब हम हो गए मतलब उस लेवल पे कि लोग प्लान कर रहे हैं नफरत देने के लिए तो ठीक है. It helps me grow. Who is your role model in life? I live by many role models. Okay. Everyone says parents, वो सबके ही होते हैं, मेरे भी हैं. But इससे ऊपर जिनसे मैं जिंदगी जीना सीखता हूँ, I'll name 5 people and why. जो बोलते थे सब कुछ हारने के बाद भी राज करेगा खालसा, और खालसा ने राज किया. जो सब कुछ खत्म होने के बाद भी बोलते थे चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार, और चार बेटे गवाकर आज भी सिक्खी जी रही है. जो बोलते थे 1,25,000 से लड़ाऊ और उन्होंने लड़ाया. तो दैट काइंड ऑफ अ लीडरशिप, दैट इज माई लीडरशिप मॉडल. सो आई लर्न लीडरशिप फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह जी. आई लर्न करेज फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स, भगत सिंह नंबर वन फॉर हिज ब्रेवरी एंड द नॉलेज ही हैड, नंबर टू बाबा फतेह सिंह जी, द यंगेस्ट सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, द 7-year-old चाइल्ड हु सेड इन मुगल एम्पायर, इन फ्रंट ऑफ मुगल एम्पायर कि तुम तो हमारा क्या ही कर लोगे, हमें कोई खत्म नहीं कर सकता. 7 साल का बच्चा जब ये बोल रहा है ना तो बहुत बड़ी बात. तो दैट इज माई थर्ड इंस्पिरेशन. आई लर्न ह्यूमिलिटी फ्रॉम भगत पूरन सिंह. I don't know many Punjabis why they do not. That is the most underrated human I have ever seen in this world. Mother Teresa and all, Nelson Mandela and Gandhi. We all know. We don't know Bhagat Singh. I suggest everyone. I can't even express in words. So I can't even express in words. Just read about Bhagat Puran Singh, everyone. So Bhagat Puran Singh inspires me for a model of social activism and humility. Okay. And for a vision. Dr. Kalam inspires me. So Dr. Kalam inspires me for vision. Okay. And I'll again say for a vision, Dr. Kalam and Yuvraj Singh plays a big role in it. Yuvraj Singh's vision to fight and come back, I've never seen such a big vision in my life. Seriously. Wo banda zindagi mein fight karke jeeta hai. Do you see yourself in politics in future? See, I do not see myself anywhere other than initiators of change as of now. Okay. In coming at least five years, I do not see myself anywhere other than initiators of change.
I want to leave everything else I'm doing. I will soon be leaving everything else I'm doing. Okay. Only the motivational speaking part will be me. Okay. I'll relieve myself from all my services with the administration and Election Commission of India. Mm-hmm. But politics, I've been asked many times. I've been offered to contest by parties. I won't deny. Mm-hmm. But I don't see as of now. So okay. I see myself too illiterate to be in politics as of now. I do not want to be any of the other illiterate politicians. I do not want to be uneducated politicians. I do not want to be there. I at least want to study more about politics if I ever be. So I, as of now, I'm not sure. Life might take me to politics because people say ki Gaurav teri zindagi tujhe rajneeti ki taraf leke ja rahi hai. So I say, okay, agar zindagi ne leke jana hua, toh I'll open it up. But abhi, I do not want to go into politics personally. Okay. Do you have any long-term goal in your life? ये करना है मुझे जब मैं 40-50 साल का होऊंगा तो आई शुड बी देयर यार मुझे मैं ना लाइफ को लेकर बहुत क्लियर हूँ कि मेरी जिंदगी कल भी खत्म हो सकती है okay. तो मैं बहुत क्लियर हूँ okay. I am very certain about it कि कुछ भी हो सकता है one thing I am very certain about is uncertainty of life so I do not keep myself thinking about long term goals of 50-60 years okay. at max what I think is about 1 or 2 years Mm-hmm. And also, though, मुझे ना see it might sound crazy, but मेरी ज़िंदगी के दो ही goals हैं। जिस दिन मैं मरूँ national holiday होना चाहिए कम से कम। तो and कम से कम राष्ट्रीय छुट्टी तो होनी चाहिए ना और देश सारा आना चाहिए तो कुछ कुछ तो है because I otherwise I believe that there's something after life. Yeah. Otherwise, what's the point? Exactly. Otherwise, what's the point? So I do not want to believe, even if it is true that there's nothing after life, I do not want to believe it. Okay. I want to believe मौत के बाद भी लोग जीते हैं. तो मैं अपनी ये थ्योरी को जिंदा रखना चाहता हूँ because see I want to understand I want to live a life because मुझे वो purpose देता है जीने का. कि यार मुझे खुशी हो जिंदगी में मरने के बाद कि यार वाह क्या जिंदगी जीनी. तो that is one thing. Second is that I want to receive something either like a Bharat Ratna or something like a Nobel Prize. I want to work for that. So okay. that's one thing which I actually crave for. I don't know. Okay. I'm not desperate for it, but that is my goal. I want to be worthy of that. Do you believe in destiny? I do. I am a firm believer of God has a plan. Incredible. I am a completely religious human and I completely believe that even if you do not believe in any religion, yeah. you need to believe in some power. And that power has a plan for you. आपके सारे plans बेवकूफ plans हैं कोई फायदा नहीं है उनका आपका काम है सीखते जाना और काम करते जाना बस बिल्कुल मुझे पता है कि तू बहुत अच्छा लिखता है तो I would want you कि कुछ भी जो तूने लिखा हो audience को सुनाए I write poetry and my book is coming this year in August or October ये book the book will be launched I write many poems but मुझे याद नहीं खुद की पोइम्स तो मुझे एक चार लाइनें याद हैं जो मैंने भगत सिंह की जिंदगी पर ही लिखी थी कि आज का पंजाब भगत सिंह ने क्या सोचा था और क्या हो गया कि हम किस आशिकी में लग गए हैं और किस जिंदगी के पैटर्न में जी रहे हैं तो मुझे बस यही एक याद आती है कि जवानी जिस धरती दी आज सड़कां उत्ते रुल रही है वड़क लब्बा दे विच अज जो विरसा अपना भुल रही है इनू याद कराना जरूरी अज किदां लहू डुली इस धरती ते मुड़ तो होई आबादी सी इन आशका दी धरती ते एक ओ भी सी जम्मिया जिदा इश्क आजादी सी जिदा इश्क आजादी सी क्या बात है क्या बात है तो गौरव अभी कैसा लगा आज का जो भी हमने बात की है तो लोगों से लाइव जाता रहता लोगों के साथ तो वाज इट समथिंग डिफरेंट आज कुछ नया कुछ अपने बारे में सीखने को मिला दिस वाज रियल आई विल से दिस वाज आई विल डिफाइन इट दिस वाज रियल सो ऑल ऑफ द अदर थिंग्स व्हिच वी डू लेट्स से इंस्टाग्राम लाइव्स और एवरीथिंग इट्स नॉट रियल इट्स मेड अप सो जो भी हम इंस्टाग्राम पे करते हैं वो लोग जितना मर्जी बोले कि यार ये पूरे रियल ऐसे अंदर बाहर कोई नहीं होता है हम एक पब्लिक लाइफ जीते हैं और वो हमारी पब्लिक लाइफ है ये मेरी ये आई वाज रियल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो रियल और अभी जल्दी सबको बोल दे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे गो फॉलो शट अप शर्मा एवरीवन एंड आई लव शरब्स वर्क एंड मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है यार शरब का कंटेंट क्रिएशन का आइडिया शरब इज नॉट अ पब्लिक फिगर बट शरब का ये आइडिया कि जिंदगी में आप कहीं भी हो आपको कंटेंट बनाते रहना चाहिए दैट कीप्स यू गोइंग दैट इज योर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड
And that's what I love, and I really get inspired from his workout videos and his motivational videos. So main zindagi mein agar ek cheez sharaf se seekhna chahta hu, to that is how to be fit in life, and I'm definitely going to take lessons from you, Sharaf. Definitely. Thank you so much, Gaurav. Thank you for being a part of this. I really enjoyed this conversation. So guys, I'll link all the social media handles of Gaurav in the description box. So please do comment aapko kaisi lagi ye video aur subscribe kar do yaar. Job achhi lagti hai jinko hi my mother is here. Namaste. Namaste. Okay.